ये धूप नहीं खाता अभी तक। वेदर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बाहर धूप होके रखा है, मैं एक ग्लास पैसा कमाना है ना तो मेरे को काम पे भी जाना पड़े। मैं अपना कैमरा को घर पे छोड़ के जाता हूँ। 80 ग्राम्स का कुछ प्राइस है 49 रुपीज, मतलब ब्लॉग में ओनली 7 व्यूज। भाई लोग क्या कर रहे हो, 1000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट 500 व्यूज तो होना चाहिए भाई एटलीस्ट। उसमें सिर्फ ओनली 7 व्यूज में इतना मेहनत करता हूँ, इतना कंटेंट डालता हूँ, फिर भी नहीं होता, क्या हो रहा है प्रॉब्लम। आज का डेट में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग फॉलो करता है क्रिंज ब्लॉगर को, मतलब जो एक फेक एटमोसफेयर बना के, एक फेक फैमिली बना के, एक फेक मतलब पूरा स्क्रिप्टेड बना के फिर उसको वीडियो बना के डाल देता है, लिख देता है कि फैमिली ब्लॉग। तो बस ऐसा फैमिली ब्लॉगिंग मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो आज मैं व्यूज कमा लूंगा, लेकिन कल मेरा चैनल डाउन हो जाएगा। मैं पुनीत सुपरस्टार की तरह मैं ब्लॉग नहीं बनाता कि मतलब या वाह चाचा के दिखा दिया, मतलब पुकार के, मतलब चीख निकाल के वीडियो बना दिया, ऐसा तो मेरा होने वाला नहीं है। तो मैं नॉर्मली जेन्युइन जो मैं करता हूँ दिन भर में वही मैं दिखाता हूँ, यही होता है ओरिजिनल फैमिली ब्लॉग। इतना मेहनत से मैं अगर 1000 सब्सक्राइबर कर लिया तो ये ब्लॉग से ही मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाला हूँ। ऐप होगा यही सबसे देखने वाला चीज़, मतलब यही सबसे कॉन्टेंट कंज्यूम आप करोगे। एक दिन आएगा जब आप मेरा ही कंटेंट कंज्यूम करोगे, और ये दिन मैं करके छोड़ने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल पंप बाइसेप्स। इनिशियल स्टेज में मेहनत बहुत करना पड़ता है, लेकिन मेरे को और ज़्यादा ज़्यादा और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप लोग का एकदम दिल तक पहुँच पाऊँगा, दिमाग तक पहुँच पाऊँ। ताकि यूट्यूब खोलोगे तो सबसे पहले मेरा चैनल सर्च करोगे, उसके बाद दूसरा चैनल। आपसे आप लोगों का दिल और दिमाग का सिस्टम मेरा हाथ में रहेगा, मेरा मुट्ठी में रहेगा। सो जब भी आप यूट्यूब खोलोगे सबसे पहले मेरा वीडियो देखना, उसके बाद दूसरे का वीडियो देखना, ऐसा तो कंटेंट मैं बनाने वाला हूँ अभी से। एक्चुअली मैं अपना वीडियो में बोलता हूँ कि मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ, लेकिन कभी मैं दिखाता नहीं हूँ। आज मैं दिखाऊंगा एंड गिनवा के छोड़ूंगा आप लोगों को कि 4 लीटर पानी सही में मैं पीता हूँ। सो ये रहा 1 लीटर। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो रहा है, 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहा है। सो पहले ये वाला पी लेता हूँ, क्योंकि 8:30 को पीने के बाद आधा घंटा वेट करना पड़ता है, और ये रूल्स है कि पानी पीने के बाद आधा घंटा वेट करना होता है, उसके बाद खाना होता है, और खाना खाने के बाद फिर आधा घंटा वेट करके फिर पानी पीना होता है। पूरा 1 लीटर पानी, अभी आधा घंटा वेट, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा घंटा या तो 1 घंटा बाद पानी। अभी मेरे को थोड़ा सा ना फास्ट बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना मैं फास्ट बोलूँगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगूंगा, आप लोगों का दिल तक मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। मेरे को आज भी याद है बचपन में 2 ही तरह का मैगी मार्केट पे अवेलेबल था, एक तो मैगी कंपनी का चिकन फ्लेवर और तो मैगी कंपनी का मसाला, तो ये 2 एंड उसके साथ टॉप रेमन। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यूपी आया, लेकिन आज जाके मैंने देखा कि कोरियन कंपनी का कुछ कोरियन मैगी करके आया है, कोरियन नूडल्स, वो भी अनोखानों का 3-4 फ्लेवर में। मतलब कोरियन ड्रामा अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कोरियन मैगी खिला के हम लोग को कोरियन ड्रामा दिखाया जाएगा, मतलब सोच के देखो भाई। लिटरली 80 ग्राम्स का कुछ प्राइस है 49 रुपीज़, मतलब तुम सोच के देखो कितना महंगा है। बल्कि हम लोगों का ये तो भाई बहुत सस्ता है, 2 पैकेट लेके आया फिर 80 ग्राम ही हो गया, ऑलमोस्ट इस दोनों का प्राइस है 30 रुपीज़ तक, 34 रुपीज़ मेरे को मिला और वो 49, सोच के देखो। एक तो बाहर का मैगी, ऊपर से कोरियन, मतलब क्या सोचना चाहते हैं हम लोग, क्या ब्रिटिश आर्मी है क्या। Oh,
पैसा कमाना है ना, तो मेरे को काम पे ही जाना पड़ेगा कि काम आ गया छोटा सा, बस मैं काम पे ही जाऊँगा और वहाँ पे जाके ब्लॉग बनाता हूँ। बेसिकली मेरे को गाड़ी निकालना है, तो जो लोग मेरे को अभी तक ड्राइव करते हुए नहीं देखो वो लोग देख लो आज मेरे को ड्राइव करते हुए। अभी तक वेदर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बाहर धूप होके रखा है, मैं एक ग्लास पहनूंगा और एक दो घंटा पकड़ लो बारिश उतर जाएगा, ये गारंटी है, लिख के रखो। आज प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये पहनने के बाद बारिश होता है कि नहीं। मैं अपना कैमरा को घर पे छोड़ के जाता हूँ एंड मैं अपना ये वाला फ़ोन ब्लॉगिंग वाला फ़ोन एंड मास्टर ब्लास्टर ये दोनों को कैरी कर लेता हूँ। बस ये ना फिर भाई इससे ही ब्लॉग हो जाएगा, इससे नहीं वो वाला फ़ोन से। फटाक से स्टार्ट करके निकाल नहीं सकते, जब रात भर वो बैठा है चालू करके एटलीस्ट 10 मिनट उसको रुका के रखना होता है, फिर जाके उसको स्पीड देना, थोड़ा सा साउंड चेंज होगा उसके बाद उसको चला, तो आपका इंजन बहुत देर तक लास्ट करे। ये चीज़ मैं इसीलिए बताता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारा लोग ऐसा करता है कि गाड़ी स्टार्ट करता है फटाक से लेकिन निकल जाता है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, इसमें गाड़ी का इंजन में चोट लगता है। फाइनली ये चश्मा मेरे को प्रूव कर दिया कि मैं गलत हूँ, बाहर गया घूम के आया कोई बारिश नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा था इतना दिन से मेरा एक मतलब माइंड में घूमता था कि जब भी पहनता हूँ बारिश होता है, तो आज देखा अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हुआ, तो थैंक गॉड मैं आज आराम से पहन के काम खत्म करके घर भी आ गया। कोई मेरे को एक चीज़ बता सकता है बारिश से मेरे को क्या दुश्मनी है? जब मेरे को लंच करने का टाइम आएगा डिनर करने का टाइम आएगा सच दर्द के बन टन के पूरा गिरना शुरू हो जाएगा, और ऐसा गिरेगा मैं खाने के लिए जा ही नहीं सकता। एग्जैक्ट मेरे को जब खाने जाने का टाइम होगा उसी टाइम मेरा घर का ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया, अभी सिर्फ बारिश रुकने का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बारिश रुकेगा मैं जाऊँगा खाने के लिए, तब तक पब्जी। आज ऑफिस से आके मेरे को झूठ बोला, मेरे को बोला बस में आया मेरे पास एक पैसा नहीं था, ये बात तो सही है इसके पास एक पैसा नहीं था, लेकिन झूठ बोला मेरे को वो सब मतलब पैसेंजर के पास से ₹5 करके लेके बस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देके फिर आया। मैं बोला तुम मेरे को कॉल कर सकते थे, 2 मिनट का रास्ता है मैं चल के जाके बस कंडक्टर को पैसा, बोला नहीं ऐसा ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं हो, तो मेरे को सिखा रहा जबकि मैं उससे ज़्यादा अंदमान में हूँ। देखो मतलब झूठ मतलब पूरा एकदम मतलब क्या बोलूंगा ये जगह लगा हुआ है अच्छा। झूठ लगा हुआ है ये जगह में। तुम क्यों नहीं गए? कौन सा तुमको तो पता था कि मैं कैश कैरी कर कैश कैरी नहीं करूंगा। बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, मैं कैसे जाऊंगा? तो तुम कैसे बोल दिए कि बस में आ जाओ, कैश तो मैं कैरी नहीं करता हूँ। तो कैश कैरी नहीं करते तो मेरे को एक बार कॉल करना ना कि कैश। तुम बोले कैसे कि मतलब तुम बस में आ जाओ, बारिश हो रहा है कैसे जाऊँ? मतलब ये ना ये उदासी में जो थोड़ा सा नफा मिलता है तभी थोड़ा सा हंस लेता हूँ। थैंक यू। तो ब्लॉग को मैं ख़त्म कर देता हूँ, अभी इसको एडिट करने के लिए भी बैठना होगा, 9 बजे ब्लॉग को रिलीज करना पड़ता है। सो टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे, एंड अभी तक अगर ब्लॉग देख लिया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। ये धूप नहीं खाता है, चिकन खाने वाला जादू है। तो पनीर खाने वाला जादू है, पनीर खाने वाला जादू नहीं खाता पनीर खाता, धरती में जादू आ गया, देखो धरती में जादू आ गया, मॉडल वाला जादू है।